देश में इस समय जो हालात बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमारे पास रुझान है उसमें अभी कोई भी पार्टी विपक्षी लीड लेती हुई नहीं दिख रही है। योगी आदित्यनाथ अभी भी सबसे आगे चल रहे हैं, चाहे विधानसभा का सत्र रहा हो चाहे विधानसभा के बाहर रहा हो। योगी आदित्यनाथ का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव को लेकर के लोगों के मन में उत्साह जरूर है, लेकिन अभी भी लोगों के पास बेहतर विकल्प होने की वजह से भाजपा उनकी पहली पार्टी बनी हुई है। वही मायावती ने जब कह दिया है उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे माना जा रहा है कि मायावती के पास भी कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं दिख रहा है। पिछले जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उन राज्यों में मायावती की पार्टी और मायावती की हालत जो हुई है उसे साफ हो रहा है कि दूसरी पार्टियों के पास जो मायावती के वोटर हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। मायावती लगातार ये बात कर रही हैं कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को जो रुझाने और खुश करने का जो तरीका अपनाया है इससे और जातियां मायावती के पास से दूसरी तरफ जा रही हैं। वो भाजपा में भी जा सकती हैं, सपा में भी जा सकती हैं। इससे सीधा नुकसान मायावती का हो रहा है। माना जा रहा है कि मायावती के लिए इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उन्होंने दांव खेला है तो ब्राह्मणों के नाम पर जो उन्होंने किया है इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। वही कांग्रेस पहले तरीके से ही पहली बार में ही अखिलेश यादव को वापसी दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो वो अन्य सीटों पर भी किसी से समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस बसपा के बाद जिस तरीके के हालात यहाँ बन रहे हैं, माना जा रहा है आने वाले दिनों में लड़ाई केवल सीधी सीधी सपा और भाजपा में रह जाएगी, क्योंकि सभी दल अपने अपने तरीके से आगे और पीछे होना शुरू कर दिए हैं। राजभर लगातार दांव पेच में लगे हुए हैं। वही संजय निषाद जो कुछ दिन पहले तक भाजपा से नाराज दिख रहे थे वो अब भाजपा की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है संजय निषाद भाजपा के साथ ही रहेंगे। वही राजभर अगर संजय निषाद के साथ आते हैं तो चीजें और तरह से स्पष्ट होगी। रालोद पूरी तरह से पश्चिमी यूपी में डटी हुई है, लग रहा है कि रालोद एक बड़े गेम चेंजर के रूप में सामने आ सकती है। वही योगी आदित्यनाथ की पार्टी और योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के अलावा उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। माना जा रहा है आने वाले दिनों में भाजपा कई और नीतियों के साथ सामने जाएगी। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ अब बहुत ही प्रमुखता के साथ काम में डटे हुए हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। चेहरे में भले ही उनके चुनाव न लड़ा गया हो लेकिन इस बार उनका चेहरा सामने होगा। भाजपा एकजुट होने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव लगातार अपने चाचा को मनाने में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी में इस बार शिवपाल सिंह की वापसी जरूर हो जाएगी और यही सत्ता की चाबी का बड़ा कारण है, क्योंकि चाबी जो है वो सत्ता की शिवपाल सिंह यादव के पास है। माना जा रहा है कि अगले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। आप देख रहे हैं पोल टॉक, इन दिनों हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के रुझान आपको बता रहे हैं। लोगों ने क्या देखा है, लोगों ने क्या कहा है, उन चीजों पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, लेकिन लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।